हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के खत्म होते ही प्रदेश में सैलानियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आने को मिली छूट के बाद पहले वीकेंड पर ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। शिमला, मनाली समेत प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों पर इस शनिवार, रविवार कई महीने बाद अच्छी तादाद में टूरिस्ट दिखे। प्रदेश की राजधानी शिमला भी सैलानियों से गुलजार होना शुरू हो गई है। मेरा काफी टाइम का प्लान था, फर्स्ट टाइम शिमला में आई हूँ। बाकी अब सब ठीक है, बॉर्डर खोल दिए, हम खुश हैं कि बॉर्डर खोल दिए हैं, कि हमें कोई परेशानी नहीं है। काफी टाइम के सोच रहे थे, मेरी मिसेज आए थी कैनेडा तो, इन्हों का बर्थडे सेलिब्रेशन लिए असी इतने आए थी, तो इसलिए सोचा काफी टाइम तो सोचते 15 सितंबर नूं ओपन होए तो सोचा कि जाना चाहिए। मानने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आई, बिकॉज वैसे तो हमने कोविड टेस्ट भी करवाए, नेगेटिव रिपोर्ट्स लेके आए थे, सारा कुछ मतलब जो भी है अपना सारा अरेंजमेंट करके आए थे। जो इन्होंने खोल दिया है 6 महीने के बाद, तो हमें यहाँ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छी फैसिलिटी है, और ये लोग कोरोना वायरस की गाइडलाइंस अपडेट कर रहे हिमाचल गवर्नमेंट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं, प्लान तो ऐसे कुछ नहीं था, एक दो दिन पहले प्लान बना और यहाँ होटल वालों से बात किया तो बोले ओपन हो चुके हैं, आप आ सकते हैं। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के होटेलियर्स भी नए नए तरीके अपना रहे हैं, पर्यटकों को कोरोना से बचाव की हर सुविधा दे रहे हैं। कांगड़ा समेत प्रदेश के कई जिलों में होटल्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं। होटल्स ने अपनी ऐप लॉन्च की है, इस ऐप के जरिए ही चेक इन और चेकआउट किया जा सकेगा। पर्यटकों की गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए सुविधा भी होटल से ही दी जा रही है। हालांकि 2 दिन हो गए हैं FOP का हुए सरकार के ऑर्डर को, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का टूरिस्ट आना शुरू हुआ है, कल भी था और आज थोड़ा 2-4 आने शुरू हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब तक लोगों का पर चलेगा और नेक्स्ट वीक तक टूरिस्ट ज़्यादा आना शुरू होगा, उम्मीद है कि 20-25% ऑक्यूपेंसी पर हम कुछ दिनों में पहुँच पाएंगे। रहा जो हिमाचल सरकार ने जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है FOPs होटल्स के लिए बताई गई हैं, वो होटल इंडस्ट्री उसका पूरा सिंसियरली फॉलो कर रही है। जो भी FOPs हैं, लगे सैनिटेशन, चाहे वो हैंड ग्लोव का है, चाहे मास्क का है, चाहे लगेज सैनिटाइज करना का है, और जहाँ गाड़ी के जो गेस्ट की गाड़ी है, जहाँ जो बेसिकली जो टच पॉइंट्स होते हैं उनको एक प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए, इसमें बहुत ही विस्तृत SOPs हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे, उन SOPs को जो है सभी को समझाया गया है, सभी होटल एसोसिएशन वालों को वो SOPs वितरित किए गए हैं। जो भी उनकी समय समय पर क्वेरीज रहती हैं उसके रिगार्डिंग, उनका भी हम समाधान करते हैं। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है काफ़ी होटल्स को जो है उनके एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इनके बारे में जानकारी दी गई है, और इसी तरह की कुछ और ट्रेनिंग्स भी विभाग के द्वारा शेड्यूल्ड हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी SOPs हैं और किस तरह से उन SOPs का पालन करना है उसकी विस्तृत जानकारी सभी को दी जाए, ताकि वो अपना भी बचाव कर सकें और आने वाले यात्रियों का। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए देवभूमि को पूरी तरह से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के करीब 60 होटल्स को 31 दिसंबर तक बुकिंग पर 40% छूट देने का फैसला भी किया है। न्यूज PHS रिपोर्ट। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नन्ही गली सोन परी। नहीं, पानी तो मिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पी रोज दादी ना दे दो। जा, पहले 6 महीने तो होने दे। कुछ भी क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह।